नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुड हेल्थ टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, भूख ना लगना हो सकता है घातक, जानिए इसके गंभीर परिणाम और उससे बचने के उपाय। एक तरफ लोगों को दो वक्त का भोजन नसीब नहीं है, हर रोज लाखों लोग भूखे पेट सो जाते हैं। आंकड़ों की माने तो हिंदुस्तान में हर साल हजारों मौतें भूख की वजह से हो जाती हैं, क्योंकि लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो दो जून की रोटी खा सकें। लेकिन कुछ लोग आपके आसपास ऐसे भी होंगे जिनका पेट हमेशा भरा रहता है, दिन भर कुछ नहीं खाते, खाने बैठते हैं तो दो का और खाने के बाद पेट भर जाता है, फिर चाहे उनका पसंदीदा व्यंजन ही क्यों न बना हो। लेकिन डॉक्टरों की माने तो ऐसे लोग बीमार होते हैं। मेडिकल साइंस की माने तो ये कोई उपाधि या विशेषता नहीं है, बल्कि एक गंभीर बीमारी है। इसी को लेकर आज हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको अपनाकर आप अपनी भूख को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि मन में रखें कि भूखे हैं, नियमित भूख लगे। इसके लिए जरूरी है कि आप खाने का समय निर्धारित करें, भोजन करने की डेली रूटीन बनाएं, ताकि आपको खाने का समय याद रहे। थोड़ी थोड़ी देर में खाएं, कम भूख लगने की स्थिति, दिन में कभी भी एक साथ खाना न खाएं। ज्यादा भोजन करना ठीक नहीं होता है। अगर आप भोजन 5 से 6 चरणों में करेंगे तो इससे इम्यून सिस्टम सही होता है और भूख लगना शुरू हो जाती है। नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम से शरीर की कैलोरी बर्न होती है, ऊर्जावान रहने के लिए अधिक कैलोरी जलती है, शरीर में कैलोरी की खपत और उसकी मांग चलते भूख बढ़ जाती है। कुछ औषधियों से भूख न लगने का उपचार किया जा सकता है। नंबर 1, घरेलू उपायों के अनुसार गेहूं के चोकर में सेंधा नमक और अजवायन मिलाकर रोटी बनाकर खाने से भूख तेज होती है। नंबर 2, 1 सेब डेली खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, ये कहावत है, लेकिन सेब खाने से खून साफ होता है और भूख भी लगती है। नंबर 3, 1 गिलास पानी में 3 ग्राम जीरा, हींग, पुदीना, काली मिर्च और नमक डालकर पीने से भूख से एलर्जी कम होती है। नंबर 4, अजवाइन में स्वाद के अनुसार काला नमक मिलाकर गर्म पानी के साथ सेवन करने से भी खाने के प्रति दूरी कम हो जाती है। नंबर 5, मेथी से चौकी गई दाल या सब्जी खाने से भूख बढ़ती है। नंबर 6, नींबू को सेंधा नमक डालकर खाना खाने से पहले चूसने से पेट का कब्ज दूर होता है और पाचन क्रिया भी तेज हो जाती है, जिससे व्यक्ति की भूख बढ़ती है। नंबर 7, खाने के साथ सलाद का भरपूर सेवन करें, इससे आपका खाना सही से हजम होगा और खाने की इच्छा भी बनी रहेगी। दोस्तों, मैं आप तक नई नई वीडियो पहुंचाती रहूं, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।